हे गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। और गाइस, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि नो सिग्नल या फिर वीक सिग्नल या फिर इनक्रिप्ट प्रोग्राम वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आपके डीडी फ्रिज में, तो आइए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नई फ्रीक्वेंसी डालेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी को डालने के बाद आपको कुछ नए कुछ पुराने सभी चैनल्स को देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एंटर कर दिए 8250, तो यहाँ पे एंटर कर लेना 8250। आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, फिर से आप लोग यहाँ पे यही चीज कर दीजिएगा 8250 और यहाँ पे ऑटो स्कैन के लिए दे दीजिएगा। अब गाइस, जैसे ही आप लोग ऑटो स्कैन के लिए देंगे आपका डीडी फ्रिज ऑटोमेटिकली ऑटो स्कैन हो जाएगा। और गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑटो स्कैन अगर आप लोग करेंगे तो अगर आप लोग इस फ्रीक्वेंसी को डाल के ऑटो स्कैन करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, कुछ नए चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने चैनल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे चैनल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो शायद आपने ना भी सोचे हो, ठीक है। और भाई, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 27 तारीख को डीडी फ्रिज में दोबारा से ई ऑकेशन होने वाली है। 27 तारीख को 27 मार्च को यहाँ पे दोबारा से नए चैनल्स आने वाली है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे वापस जो पुराने चैनल आ जाए, क्योंकि कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हमारे डीडी फ्रिज से जा चुके हैं। और जाने के बाद हुआ क्या, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे ही वो चैनल यहाँ से डीडी फ्रिज से गए, गाइस उन चैनल्स की टीआरपी जो है ना बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन टीवी के मार्केट में उन सभी चैनल्स की टीआरपी कम हो चुकी है। मतलब कि यार, एक तरीके से उन चैनल्स का रेपुटेशन खराब हो चुका है। अगर उन्हें अपना रेपुटेशन वापस से बनाना है तो यार उन्हें वापस से डीडी फ्रिज में दाखिला लेना होगा, मतलब डीडी फ्रिज में अगर वापस से आना होगा। अगर गाइस वो लोग अपना रेपुटेशन बचाना चाहेंगे तो वो वापस से डीडी फ्रिज में आएंगे। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि क्या लगता है आपको कि डीडी फ्रिज में वो चैनल वापस आएंगे या फिर कुछ नए चैनल्स वापस आएंगे, ठीक है। वो चैनल्स नहीं आएंगे या नए चैनल आएंगे, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। तो जैसा भी आप लोगों को जो भी लगता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना अपना ओपिनियन। और गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं करे तो शेयर कर दो, नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह ना मैं लेता हूं आपसे ना यूट्यूब लेता है। आपको करना क्या है, सिंपली सब्सक्राइब वाला लाल कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को शेयर कर देना। और गाइस, यहां पे कई सारे चैनल यहां पे डीडी फ्रिज में वर्क कर रहे हैं, फ्री टू एयर वाले भी, और कई सारे चैनल यहां पे चल रहे हैं, कुछ नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिए गए हैं, कुछ किसी तरफ से दिए गए, कुछ किसी की तरफ से दिए गए। मतलब यार, कुल मिला के बात यही है कि अभी डीडी फ्रिज में काफी सारे चैनल्स वर्क कर रहे हैं, लगभग 135 चैनल अभी डीडी फ्रिज में वर्क कर रहे हैं। आपका ओटीपी, तो गाइस यहां पे बता देता हूं पासवर्ड होगा जो यहां पे। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे डीडी फ्रिज चल चुका है, यहाँ पे कई सारे चैनल्स वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डीडी की तरफ से डीडी गोवा वगैरह कुछ नए चैनल्स भी आ रखे हैं। डीडी गोवा विल बी रिज्यूम आफ्टर सम टाइम, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे चैनल चल रहे हैं डीडी गोवा के नाम से, कुछ डीडी पंजाबी और भी कई सारे डीडी के नाम से चैनल्स आए, डीडी अफजल और देख सकते हैं, और भी यहाँ पे कई सारे डीडी के नाम से चैनल्स आए, और उसके बाद NT8 नैपतोल वगैरह और भी कई सारे यहाँ पे चैनल फ्री टू एयर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपको चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं मिलूंगा एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।